सुबह सुबह ही मेरे छुटकों का ये काम है, बैठ के सजाने लग गए अपनी बुक्स। कल ही इनकी बुक्स आई, सुबह सुबह पढ़ने लगे। अरे गजब है तब तो। बोल अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एक ऐसे काम की जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ABCD भी जिसकी नहीं आती, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया है। हमारी शादियों में ना दहेज में और कुछ देना देने की मशीन लड़कियों को दी जाती है स्पेशली। मुझे कुछ भी नहीं आता था इसका, लेकिन फिर भी मुझे दी है ताकि मतलब कभी भी बच्चों की सिलाई करनी हो या कुछ भी कोई भी काम करना हो तो उस वजह से थी, मतलब पहले से थी ये मेरे पास। और इसके मैं मतलब ये पाँव के पैडल में दिखाऊँ आपको, ये इस तरह से, तो ये मैंने अभी लगवाए आज, मतलब लगवाए नहीं खुद ही लगाए हैं, वो भी पूरा का पूरा दिखाऊंगी आपको। और फिर मैंने अब चलो देखते हैं कि मुझे आ पाएगा भी ये काम या नहीं। आता तो भी इसमें कुछ भी नहीं, इवन तक ना मेरे को एक सीधी सिलाई भी नहीं आती। पहले मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना इसमें, कर रही थी मतलब जब ये जोड़े भी नहीं थे तब की सीधी सिलाई भी आती भी है कि नहीं आती, तो मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। बताया तो था मैंने आपको पहले भी कि मैं अपने सूट से अगर थोड़ी सी फिटिंग की भी सिलाई कहीं से उधर भी जाए ना सिलाई, तो तब भी टेलर के पास ही उसको सिलवाती थी। तो बहुत मतलब स्यापा भी लगता था, जाना पड़ता था टेलर के पास, फिर अगर अच्छे से फिटिंग नहीं हुई फिर से जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैं खुद ही सीख लूँ, वैसे भी लड़कियों के काम है, लड़कियों को आने ही चाहिए। तो मैंने पहले कभी टाइम भी नहीं लगा था आज तक कि मैंने सीखा, लेकिन अभी फ्री ही हूँ तो अब आप लोगों के साथ बात मतलब साथ साथ में जो सीखती चलूंगी वो आपको सिखाती भी चलूंगी, तो साथ साथ हो जाएंगे काम। देखते हैं अब कितने दिन लगेंगे मुझे इसको सीखने में। और सच्ची बात बता रही हूँ यार, मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी। आपने मतलब मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो मैंने पहले शेयर कर रखा है कि एक मेरी सिलाई निकल गई थी, एक मैंने कुर्ता लिया था ऑनलाइन, उसको भी मतलब मैंने टेलर के पास जाकर ही उसकी फिटिंग करवाई थी, मेरे को खुद से कुछ भी नहीं आता।
तो अभी तो सुबह से जब से मतलब मैंने ये लगाई है तब से मेरे को तो इसकी इसी की धुन सवार है। तो मैं कर रही हूँ इसकी प्रैक्टिस अभी, मतलब कि पाँव के पैडल भी नहीं चलाने आ रहे तो इसी की प्रैक्टिस किए जा रही हूँ। अभी देखती हूँ ऐसे लग, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पाँव पे पता नहीं कितना ज्यादा भारी भरकम वजन मतलब रख दिया है, फिर बोला है कि अब इसको चलो आप। तो अभी शुरुआत ही है, देखते हैं लगी रहूंगी, पर आज मतलब कि जैसे तैसे मेरे को ये चलाना तो आज की ही डेट में सीखनी है, शाम तक मतलब जो मर्जी हो जाए मैं इसको चलाना तो सीख ही लूंगी, फिर बाकी का काम देखते हैं कैसे कैसे चलता है। आज मेरा लंच भी यहीं पे हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं आज के, आज ही मेरे को ये चलाना सीखनी है अच्छे से। तो प्रैक्टिस तो बहुत हुई है आज और मैंने सीख लिया, चलाना तो मुझे आ गया और बाकी कपड़े किस तरह से सिलने हैं वो अभी आगे सीखना बाकी है। ये शाम के खाने का, क्योंकि अभी टाइम भी लगभग 4-5 के करीब हो गया है, तो शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं शाम को ना ये देसी सब्जी बनाने वाली हूँ, एक नहीं दो देसी सब्जियां मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है। एक तो वो जो मूली के मुंगरे हम बोलते हैं लैंग्वेज अपनी लोकल लैंग्वेज में वो, और एक इस तरह के फूल होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरह के फूल होते हैं ना, तो इसके बीच में ये रेड और ग्रीन जैसी मोटी जैसी कली होती है, मतलब कड़वी होती है देख खाने में, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ अभी। तो फिर ये अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है इसको भी अलग करते करते। फिर इसकी चाय से आप इसी तरह से सूखी सब्जी बनाएं या रायता बनाएं, रायता बहुत अच्छा लगता है ऐसे दही डाल के, या फिर लस्सी हो आपके पास तो तब तो और भी, मुझे लस्सी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से बस ये जो होता है ना इसका ये वाला ये पार्ट निकाल लेना है, ये जो फूल है ना बेसिकली इनका हम लोग रायता बनाते हैं, और ये जो कलियाँ होती है ना इनका हम सूखी सब्जी मतलब इनको उबाल लेंगे पानी इनका निकाल के। जैसे मैंने एक सब्जी आपके साथ देसी वाली और पहले भी शेयर कर रखी है, तो लाइकवाइज वैसे ही ये कुछ बनती है। तो मैं ये मिक्स ही बना रही हूँ और मैं इसमें मतलब दही लगाऊंगी, लस्सी तो है नहीं तो दही ही लगाऊंगी, मतलब बाद में ऐसे ये गर्म तकसीर की होती है ना ये सब्जियाँ, तो दही लस्सी जरूरी हो जाता है।